नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, दिन है आज का 1 मार्च 2023 का। तो आज की तलोदा मंडी से लहसुन की आवकों की रिपोर्ट हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। किस प्रकार की आवक आज मंडी के अंदर हमें देखने को मिली, पूरी स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए। दोस्तों, आज की आवकों की स्थिति को पूरी आपको जानकारी प्रदान करूंगा। दोस्तों, कल जो भी लहसुन मंडी के अंदर था वो तो सारा लहसुन नीलामी कार्य पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं जो गेट पर कल मान थे वो, और आज जो रात में पूरी तरह से मंडी के अंदर आई और आज सुबह तक की अभी तक की स्थिति में जो लहसुन मंडी के अंदर आया है उसकी अपेक्षा की बात करते हैं। तो दोस्तों, कल जिस फील्ड में हमें लहसुन देखने को मिल रहा था, मैं आपको बात करता हूँ एंडिंग में जो शाम को नीलामी कार्य हुआ था उसका, उस साइड में हमें लहसुन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, ये फील्ड अभी खाली देखने को मिल रहा है, इसमें कल लहसुन था और आज इसमें लहसुन नहीं है। बस यही फील्ड खाली है, बाकी लगभग कल जहाँ माल पड़ा था वहाँ तक आज भी हमें लहसुन मंडी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लगभग कल से कुछ भी 1000-1500 कट्टों की आवक कम है, लेकिन ठीक ठाक आवक कहेंगे मंडी के अंदर की। बात करता हूँ दोस्तों आज की अगर गेट की रिपोर्ट की, तो दोस्तों जो गेट की स्थिति आज की हमें देखने को मिल रही है मंडी के अंतर्गत की, तो अभी हाल फिलहाल की जो सूचनाएं हमें मिल रही है इसके अनुसार दोस्तों जो आवक आज की हमें मंडी के अंदर देखने को मिली उसकी स्थिति और मैं आपको प्रदान करता हूँ कि कुछ फील्ड है ऐसी फील्ड के अंतर्गत आवक थोड़ी कम देखने को मिल रही है, बाकी लगभग सारे फील्ड पूरी तरह से फूल है। और मंडी की गेट की स्थिति आपको प्रदान करता हूँ दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति में तो मंडी का गेट नहीं लगा है, लेकिन ये सूचना है कि मंडी का गेट भी कुछ टाइम के अंतर्गत लगने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये सूचना प्रदान नहीं कर सकता कि 1 घंटे में लगे, 2 घंटे में लगे, आधे घंटे में लगे, लेकिन दोस्तों मंडी का गेट लगने वाला है, ये कुछ टाइम के अंतर्गत है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की जो सूचनाएं मिल रही है इसके अनुसार मंडी का गेट नहीं लगा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में लगने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर निरंतर आवक नहीं बढ़ती आती है मंडी के अंदर तो गेट खुला ही रहेगा, बाकी अगर आवक निरंतर अगर जारी होती है और ज्यादा ही आवक मंडी के अंदर आती रहती है तो मंडी का गेट लग सकता है। लेकिन आगामी सूचना अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं गेट की, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति के अनुसार मंडी का गेट खुला है। बाकी आप कब तक मंडी में आते हैं तब तक की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों आज की मंडी की आवकों की स्थिति की, तो कल से कुछ भी थोड़ी कम है, लेकिन 12 से 14 हजार कट्टे आप कंफर्म मानिएगा इतनी आवक आज मंडी के अंदर देखने को मिली है। और दोस्तों, यही फील्ड खाली है जो कि मैं आपको स्थिति के माध्यम से बता रहा हूँ, बाकी सारे फील्ड के अंतर्गत लहसुन हमें आज की स्थिति में देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखकर अपने माल का अंदाजा लगा लीजिएगा कि मंडी में आप लेकर आना चाहते हैं लहसुन को तो किस प्रकार की स्थिति बनती हुई देखने को मिल रही है। गेट की रिपोर्ट को आप एक बार और सुनिएगा कि हाल फिलहाल की स्थिति में मंडी का गेट नहीं लगा है, लेकिन दोस्तों ये सूचना है कि कुछ टाइम के अंतर्गत मंडी का गेट लग सकता है। बाकी दोस्तों, ये टाइमिंग कंफर्म नहीं है कि मंडी का गेट 1 घंटे में लगे, आधे घंटे में लगे या 2 घंटे में लगे, ये टाइमिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सूचना मिली है कि कुछ टाइम के बाद लग सकता है गेट। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।